मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद। पेट्रोल डीजल अते गैस दीयां वधदीयां कीमतां अते सरकार दे वल्लों लोकां नाल कीते वादे पूरे ना करन दे विरुद्ध विच श्रोमणी अकाली दल दे कोर कमेटी दे मैंबर सुखजिंदर सिंह लंगा ने हलका डेरा बाबा नानक दे कस्बा कलानौर दे विच धरना दिता। वड्डी गिनती विच आम लोग ते अकाली वर्करां ने इस धरने विच शमूलियत कीती ते पंजाब ते केंद्र सरकार दे खिलाफ रोस प्रदर्शन कीता। इस मौके सुखजिंदर सिंह लंगा ने जिथे पेट्रोल डीजल अते गैस दीयां वधदीयां कीमतां ते केंद्र सरकार ते तिखे शब्दी वार किते उते ही पंजाब सरकार ते निशाना साध्या गया। कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चोणां समय हाथ विच गुटका सह फड़ के सूबे दे लोकां नाल कई लोक लुभाने वादे किते सन, लेकिन चार साल तो वध समा बीत जाण दे बावजूद भी सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। सुखजिंदर सिंह लंगा ने कहा कि सूबे की जनता आउंदिआं चोणां विच कांग्रेस का सफाया कर देणगे। मेरी भी आ जाऊंगी कि नहीं? साउंड वाला किसे है? साउंड वाला? क्योंकि कई बार ये सरकार में ये कैप्टन सरकार के नुमाइंदे ये कहते सानू किसी ने याद नहीं कराया, सारे ध्यान से निकल गया, क्योंकि सौ खान इन्होंने फितरत के बुलारिया ने बड़े विस्तार दे नाल तुहानू दस्या है ते पंजाबियां दे नाल झूठ बोलिया सी। ये धरना अज उस मुख्यमंत्री नूं उस कांग्रेस की सरकार नूं जगाउण वास्ते है। 8 तरीक नूं प्रधान श्रोमणी अकाली दल सरदार सुखबीर सिंह जी बादल दा आदेश है कि सारे पंजाब दे सारे हलकियां विच रोस वजो रोस धरने देने ने। पंजाब खिलाफ, पंजाब सरकार दे खिलाफ ये रोस धरना है, और सेंटर सरकार दे खिलाफ जिहड़े काले कानून ना पास कीते ने उन्हों रद्द कराउण लई तो सरकार नूं जगाउण वास्ते, और पंजाब सरकार ने जिहड़े चोणां विच झूठे वादे कीते ने वह पूरे कराउण वास्ते अज सारे पंजाब च ये धरने दिए जा रहे हैं। वो हिस्से वजो गुरदासपुर हल्के डाकखाना चौक जिहड़ा लोग जो तुम वेख रहे हो वीर कत्त के पिंड शहरों में आए हैं, जिहड़े इन्होंने चोणों में वादे किए वो पूरे कराने ने, जिहड़ा सेंटर सरकार ने काले कानून पास किए ने वो रद्द कराने ने, और ये जिहड़ा इन्होंने ये वादा किया घर घर नौकरी देनी है वह भी घर घर नौकरी देन। जिहड़ा सगन स्कीम 51,000 की गल की सी वह नहीं कितने मिल रहा, 2,500 पेंशन की गल की वह नहीं मिल रहा, बेरोजगारी भत्ता 2,500 क्या वह नहीं मिल रहा, किसानों का समुचा कर्जा माफ़ करने की गल की सी वह भी नहीं कितने मिल रहा। सो इस करके जिहड़ा ना झूठ बोल के सरकार बनाई है, अज नवीं चोणा जी आनिया ने 22 पंजाब सरकार दियाँ विधानसभा दियाँ सिर्फ तकरीबन 6-7 महीने रह गए हैं, और ये सारे जो रोस जो लोग आए हैं कि किते वादे पूरे करो, और जिहड़ियां पेट्रोल दीआं कीमतां ने डीजल दीआं बार बार वध रहीआं ने ये पंजाब सरकार वाले कैप्टन मुख्यमंत्री साहब सेंटर दे गल सुट्टी जांदे ने, और सेंटर वाले कहिंदे ने कि नहीं पंजाब सरकार दा काम है। ये दोवें रल के लोगों का कजूबर कढ रहे ने, जे सेंटर ने रेट वधाए ने ते जे पंजाब सरकार वाकई लोगों के हित की गल करदी है कांग्रेस सरकार ते फिर जिहड़ा अपने वल्लों वैट लाया गया उहनूं जिहड़ा घटा देण ते ऑटोमैटिकली पेट्रोल ते डीजल दीआं कीमतां जिहड़ियां ने उह घट सकदीआं ने। इस तरह ही जिहड़े इन्होंने वादे किए ने वो कोई वादा नहीं पूरा होया, जे वो कैप्टन साहब कह रहे हैं तो जे वादे पूरे होंगे तो अज लोग जो वीर घर के घर निकल के आए हैं धरने से बैठे ने, ये लोग नहीं सी आने, यदा जो नतीजा आ ये भुगतना पेगा इन्हों जरा 22 दिन चोणों च, और जी धांधली हुई आ म्यूनसिपल कमेटी दोणों में मशीन खोलिया गई, रिट भी की हाई कोर्ट में गिनती घटाई गई, दूजे विरोधियों जोड़ा इन्होंने जताया आ, और कभी नहीं होया कि मशीन की कितने सीलों खुलिया हो, और ये सारी जी गल जो मशीन खोलिया ने उत्थे 16 तरीक आन रही थी। सो ये बड़े खुश ने अपने आप जी कहीं म्यूनसिपल कमेटी चोणा जित लिया ने, इन्हों चोणा का जरा कोई तलक नहीं विधानसभा चोणा ना अं सरकार बननी है, मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह जी बादल ने बनना है, तो इस धरने तो बाद असी जो मैमोरेंडम देना वो DC साहब जाके दफ्तर देना है, और जोड़ा ये लोगों च विरोध है सिर्फ इस गल का ही आ कि इन्हें झूठ बोल के सरकार बनाई सी, ये वादे पूरे कर अपने।
श्रोमणी अकाली दल वालों सरदार सुखबीर सिंह बादल जी प्रधान जी के हुक्मों के उत्ते पूरे पंजाब दे विच धरने दिते जा रहे हैं हलका वाइज। ये कांग्रेस की जिहड़ी सुत्ती हुई सरकार है पिछले सवा चार साल तो उन्होंने जो वादे किए थे उन्होंने ना पूरा करके सुत्ती हुई सरकार को जगाने वास्ते अज ये धरने दिते गए हैं कि जो जो तुसीं पंजाब दे लोकां नाल वादे किए थे उन्होंने पूरे करो, क्योंकि पंजाब सरकार का इस दा ये अखीरला बजट सैशन है तो जे एरे विच ये मंगा पूरियां नहीं करते तो अगे जाके की कर। देखो जी, शगन स्कीम तो जे आप RTI पाइए ना तो पिछले मैनू लगता 1.5-2 साल की नहीं कई मिली होनी। ये कल्ले खोखले वादे आ जिहड़े इन्हां ने सिर्फ फिगरां दे विच लिआंदे आ। अज जे मुफ्त बसां की गल कर रहे आ, बीबियां का किराया मुफ्त कर दिता है तो पंजाब दे विच पहलों जाके रोडवेज की बसां के हालात तो देख लो, कोई रोडवेज की बस च बह के तैयार नहीं गा कि पता नहीं इन्हें पहुँचाना है अगे कि कितने राह ही खराब हो जाना जां एक्सीडेंट हो जाना। पहलों उन्हां दे हालात ठीक करो कैप्टन साहब, फिर लोगों उरे विच बिठाओ, इरे करके बिठा के किसी की जान ना गवाओ। वेखो जी, एक पिंड का नाम लै लैंदा है, विकास किया है, इत्थे दसे ना कि कीड़ी वड्डी चीज़ लियांदी आ। जे जो जो कुछ बनिया है आ रोड है, ये भी अकाली दल की सरकार तो जो सेंटर BJP की सरकार सी उदों की पास हुई है। इत्थे डिग्री कॉलेज है जिहड़ा वह सरदार प्रकाश सिंह बादल जी लैके आए, इत्थे SDM साहब के बहन का वड्डे तहसीलदार लियांदे वो सरदार प्रकाश सिंह बादल जी लियाए, तो अज ये 2-4 पिंडां दे विच नरेगा दे पैसे लवा के तो फिर कहना चाहुंदे आ कि असी बहुत विकास। बजट देखो जी, इन्हां दा खोखला बजट है, सिर्फ तो सिर्फ वादे आ। मैं कहना है कि मनप्रीत सिंह बादल जिद्दां दा बहुता पढ़िया लिखिया भी बहुता इंसान होवे ना तो वह भी खराबी कर जांदा है। वह फिगरां दे विच ही घूमदा रहिंदा, उहनूं थलड़ी सच्चाई का पता ही नहीं है पंजाब किस तरीके दे नाल जूझ रहा है। लोकां जिहड़े मुलाजम आ किन्ना किन्ना चिर हो गया उन्हां दे DA दीआं किश्तां नहीं लागू होईआं। वेखो जी, इन्हां दा तां बड़े चिर दे महीने ही आउंदे आ, पहलों 2-3 साल तां इन्हां ने मोबाइलां दे महीने लाते, 2 महीने बाद आ रहा है हुण करोना आ गया, हुण फलाणा आ गया है, हुण इन्हां ने इलैक्शनां तक भी इदां ही खिच खुच के लै जाणा चुप चुपीते झूठ मार मार के। झूठ बोल के तो सरकार आई सी, अज प्रशांत किशोर फिर लैंदा है, पहलों किए हुए वादे तां पूरे करो। सरकार ने लिया के पंजाब दे लोकां दे उत्ते बोझ पाता।